तो उस दिन एक ईमेल आया और ईमेल पढ़ के मैं उसका रिस्पांस आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ईमेल में लिखा था, आई एम 22 ईयर्स ऑफ एज एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड वर्किंग आउट ऑफ कॉलेज। और जब भी कोई कंपनी प्रेजेंटेशन होती है आई गेट रियली नर्वस, मेरे हाथ कांपने लगते हैं, मुझे पसीना आने लगता है, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं एंड आई वॉन्ट टू गेट टू अ पॉइंट जहाँ मैं कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने एक प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ और मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि आप मेरी उसमें मदद करें। बहुत ही वैलिड सा पॉइंट है और बहुत सारे लोग हैं। इनफैक्ट US में एक सर्वे हुआ था जिसमें यह पूछा गया था कि आपको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है। नंबर 2 पे था मौत, डेथ, और नंबर 1 पे था पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने खड़े होके एक स्पीच देना। लोग मौत से ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। Isn't that crazy? And in today's world, कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास एक ऐसा जरिया है जिससे आप लोगों का अटेंशन ग्रैप कर सकते हैं, उनके साथ एंगेज कर सकते हैं, एक ऐसा मीनिंगफुल रेलेवेंट कॉन्टेंट उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि वो आपकी बात सुने, समझ पाए, तो आपके पास एक सुपर पावर है। और मुझे 20-25 साल हो गए हैं पब्लिक स्पीकिंग करते हुए और इन 20-25 सालों में मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं, बहुत सारी चीजों को ट्रायल एंड एरर से सीखा है। और मैं चाहता हूं कि ये 20-25 साल आपको ना लगे, क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम में भी हो सकता था, लेकिन मेरे पास एक प्रोसेस नहीं था, आज है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नंबर 1, हमारा पब्लिक स्पीकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन ये होता है कि हमारी सोच जो है और हमारे शब्द जो है वो मेल नहीं खाते। हम या तो बहुत जल्दी सोचते हैं और हमारे शब्द बहुत धीरे धीरे बोल पाते हैं, या हम सोच ही नहीं पाते और इसलिए हमारे शब्द ऐसे बोलते रहते हैं क्योंकि हम शब्दों की तलाश में वर्ड्स या आवाजें निकालना शुरू करते हैं। इसको ठीक कैसे करते हैं? लिख के। इफ यू आर एबल टू राइट, देन योर थॉट्स एंड योर रिटन वर्ड्स बिकम सिंक्रोनाइज्ड, बिकॉज यू कांट राइट एज फास्ट एज यू थिंक। आप उतनी तेजी से नहीं लिख सकते जितनी तेजी से आप सोच सकते हैं। तो जब आप अपनी सोच को अपनी लिखाई में बदलते हैं, आपके थॉट्स धीमे हो जाते हैं। और जब आप अपने वर्ड्स को अपने थॉट्स के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, तो जो आप लिखते हैं वही आप सोचते भी हैं, और जो आप सोचते हैं वही आप लिखते भी हैं। तो हम जितना लिख सकते हैं आप लिखिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है। नाउ व्हेन आई से राइटिंग, आई एम ओल्ड फैशन, आई एक्चुअली मीन एक्चुअल राइटिंग पेन एंड पेपर के साथ। लेकिन अगर आप टाइप भी कर रहे हैं, दैट्स फाइन। द ओनली प्रॉब्लम इज वी टाइप फास्टर देन वी राइट। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि आप इसलिए नहीं लिख रहे कि आप अच्छे लेखक बने, आप इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपकी थॉट्स की स्पीड और आपकी डिलीवरी की स्पीड सिंक्रोनाइज हो जाए, उनका एक तालमेल बैठ जाए। तो जितना आप धीरे लिख सकते हैं उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि फिर आप उसी ढंग से बोलेंगे भी। मैं अभी जिस पेस में बोल रहा हूं, मैं उतनी पेस पे लिख नहीं सकता, लेकिन मैं इतनी पेस पे इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं काफी सालों से लिख रहा हूं। अगर मैं नहीं लिख रहा होता तो मेरे दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही हैं कि मुझे लगता कि मुझे ये भी बोलना चाहिए, फिर मुझे लगता है मुझे वो भी बोलना चाहिए, मैं बहुत तेजी से बोलता, फिर मुझे ये याद आता कि मैं वो चीज भूल चुका हूं, फिर मैं बोलता कि ओ ये भी चीज भूल चुका हूं, और ओ वो चीज तो याद ही नहीं रही, ओ वो मैंने अभी बोला था वो ऐसा था, एंड ऐसे ही हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट राइट एंड कंट्रोल योर थॉट्स। नंबर 2, अपनी आवाज को खुद सुनिए। हम अपनी आवाज खुद नहीं सुनते, हम अपनी आवाज को अपने कानों के बीच में जो चैनल होता है उसके जरिए सुनते हैं, लेकिन हम अपनी आवाज को एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से कभी नहीं सुनते। वो करिए, अपनी आवाज को रिकॉर्ड करिए और उसको सुनिए, उसी पॉइंट पे नहीं, एक दो हफ्ते बाद, शायद 3-4 हफ्ते बाद, इस उद्देश्य से, इस ऑब्जेक्टिव से कि यू कैन लिसन टू योर वॉइस एंड फिगर व्हाट आर द इमोशंस दैट आर गेटिंग जनरेटेड। आप घर से ऑफिस जा रहे हैं या घर से कहीं भी जा रहे हैं, पहले ऑफिस जाते थे, याद है ऑफिस जाते थे, हम ऑफिस जा रहे हैं
अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करेंगे, कुछ भी जो आपके दिमाग में आ रहा है, आपका ऑफिस का काम, उसका शायद स्ट्रेस या उसकी एक्साइटमेंट, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा है, जो भी हो रिकॉर्ड करिए। किसी के लिए नहीं है, आप कहीं पोस्ट नहीं करेंगे, कहीं पब्लिक नहीं करेंगे, यू विल जस्ट रिकॉर्ड व्हाटएवर इज कमिंग टू योर माइंड। एंड 2-3-4 हफ्तों बाद जब आप उसको सुनते हैं, आप भूल चुके होते हैं कि आप किस बात पे बात कर रहे थे। एंड व्हेन यू हियर इट देन यू हियर योर वॉइस एंड यू ऑल्सो ट्राई एंड आस्क योरसेल्फ कि इसको सुन के मेरे अंदर कौन से इमोशंस जनरेट हुए, व्हाट वर द इमोशंस दैट वर जनरेटेड व्हेन आई हर्ड दिस। क्योंकि आपको एक एक्टर बनना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोगों के अंदर कौन कौन से जज्बात पैदा कर सकते हैं। और कभी भी आप लोगों को उदास करना चाहते हैं तो आप उनको उदास कर सकते हैं अपने शब्दों के माध्यम से। आप लोगों में एक्साइटमेंट लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं अपने शब्दों के माध्यम से। आप लोगों में एक जिज्ञासा प्रेजेंट करना चाहते हैं या जनरेट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं अपने शब्दों के माध्यम से। व्हाटएवर इज इट दैट यू वांट, यू कैन जनरेट दोज ऑप्शंस व्हेनेवर यू वांट, एंड दैट इज द पावर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। एंड थर्ड, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहां हमें लोगों के सामने बोलने का एक मौका मिलता है, लेकिन हम उसको हाँ नहीं बोलते। और मैं एक स्टेज की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ बिग स्टेज विद अ मैसिव ऑडियंस एंड सो ऑन, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी बेसिक। अगर आपके सामने 2 से ज्यादा लोग हैं तो आप जहां खड़े हैं वही आपका स्टेज है, और जो वो लोग हैं वही आपके ऑडियंस हैं, और आप जो भी कुछ बोलेंगे उनके सामने उनके साथ वही आपकी स्पीच होगी। इस अपॉर्चुनिटी को मना मत करिए, इन अपॉर्चुनिटीज को जितना बना सकते हैं, जितना क्रिएट कर सकते हैं करिए। आपके एक फैमिली डिनर हो रहा है, 5-6-7 लोग आए हुए हैं, डिनर से पहले सबको इकट्ठा करके एक स्पीच दीजिए, बोलिए कि बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आप सब लोग एक साथ आए हैं इतने महीनों बाद, एंड आई रियली होप कि सबको खाना बहुत अच्छा लगे, इस खाने में ये बना है, जो भी कुछ भी बात कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप बात कर रहे हैं, ज़रूरी ये है कि आप लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। अगर आपके ऑफिस में कोई रिक्वेस्ट आती है फ्रॉम HR टू फॉर्म अ टीम, मे बी फॉर दिवाली सेलिब्रेशंस, फॉर ईद सेलिब्रेशंस, फॉर क्रिसमस सेलिब्रेशंस, व्हाटएवर इज इट, देन यू से यस टू इट, बिकॉज यू नो कि आपको कोई ना कोई तो मौका मिलेगा जहां आपको लोगों को एड्रेस करना होगा, शायद काम बांटने के लिए, शायद काम रिव्यू करने के लिए, या कुछ भी और। एंड दैट विल बी अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बिकम मोर एंड मोर प्रोफिशिएंट इन दिस आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। और जितना आप इसको करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एंड ये सारी चीजें ऐसी हैं जहां अगर आप कोई गलती कर भी दें तो कोई बड़ी भूल या कोई बड़ी चीज नहीं हो जाएगी, आपके साथ कोई बड़ा सा हादसा नहीं हो जाएगा, लेकिन आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी कुछ नया सीखने के लिए। आप लोगों से फिर फीडबैक मांगेंगे, क्या मैंने सही बोला, क्या मैंने कुछ ऐसा बोला जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, जो मैंने बोला उसको सुनने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ। यू विल हंट एंड क्रेव फॉर फीडबैक एंड दैट विल मेक यू बेटर एंड बेटर एंड बेटर। जितना आप इसको कर सकते हैं, लिखना, अपने आप को वापस सुनना, ताकि आप ये समझ पाए कि आप कौन से इमोशन जनरेट कर रहे हैं, और किसी भी स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी को ना नहीं करना, आप तैयार होंगे और पहला कदम लेंगे एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर बनने के लिए। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट व्हेनेवर वी पुट अप अ न्यू वीडियो यू आर अवेयर ऑफ इट।